उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में देर शाम तेज हवा के साथ आई झमाझम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली रोड, हरिद्वार रोड, रामपुर रोड सभी जगहों पर विद्युत पोल के साथ साथ पेड़ भी धराशायी हो गए। हाईवे पर कई जगह लंबा लंबा जाम लग गया। राहगीर खुद अपने आप को और दूसरों को परेशानी में देख बाहर निकले और आंधी बारिश में हाईवे पर गिरे पड़े पेड़ों और बिजली के तारों से बचाकर वाहनों को निकालने में जुट गए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखी और लोगों की जगह जगह मदद करती हुई नजर आई। जो आंधी तूफान आया था उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। काफी लंबा जाम घंटों हुआ, इनको जाम में फंसे बड़ी बड़ी गाड़ियों को, और राहत कर्मी कोई पहुँच नहीं रहा, जी पहुँच नहीं रहा। यहाँ पे सब जो गाड़ियों पर आए हैं वही लोग एक दूसरे की बात कर रहे हैं। राहत कम 2-3 घंटे हुआ है इसको लेकर। हम रामपुर से आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा लोग परेशान थे, इस वजह से हम मदद करने के लिए आ रहा है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहाँ पर कोई सरकारी नौकर सरकार को देखने चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पर किसको ज़्यादा किसको परेशानी है। वोट मांगने समाते हैं लेकिन समस्या का हल कोई नहीं निकालता। सर आप देखिए, एक दूसरे की मदद कर रहा है लोग, तो एक दूसरे को देखो पेड़ कितना भारी पेड़ है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को परेशानी से निकालना है। तो गर्मी पड़ रही थी साहब, 3 दिन से तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी से इतने परेशान थे लोग। तो कल ईद हुई है, ईद के बाद में दोपहर से इतनी गर्मी थी बेहिसाब, लोग बहुत परेशान थे। तो एक काला बादल उठा और उस काले बादल से बारिश जब शुरू हुई है आंधी तूफान के साथ, बहुत तगड़ा तूफान था, और उसमें जो है बिजली के लाइनें वाइनें भी गिर गई हैं, कुछ है, पेड़ पौधे गिर गए हैं। लोगों को राहत मिली है, तो एक तरफ से थोड़े सी नुकसान भी हुए लोगों को, पेड़ पौधों के नुकसान हुए हैं, लाइट का नुकसान हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि लाइट विभाग वाले